वैसे डाउन टू टॉप 10 स्क्वाड राइट ऑफ पिकाचू ने इधर आइकॉनिक को पूरा मॉली से जला दिया एंड इधर नोवा हील अप करने की कोशिश करता है, बूस्ट अप तो कर चुका है, एक मॉली कर रहा है, निंजा उधर पीछे से पुश करने की कोशिश, एक नेड अगर पैनिक रूम में इधर आ जाता तो निंजा डाउन हो सकता है एंड यहां पर एक नॉक पिकअप निंजा का, कोल को भी नॉक एंड वही प्री नेड जो था वो नेड यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हुए नोवा के लिए, नोवा का उस नेड से जो नॉकआउट हुआ नोवा का क्या 200 आईक्यू नेड कुछ नहीं बोल सकते। पुश करने से पहले एक प्री नेड स्पॉटेड है लेकिन इसको डैमेज पड़ेगा शुभ की तरफ से, शुभ ने इसको नॉक, निक भी यहां पर नॉक, इवोस यहां पर बचे हैं एंड एक और बंदा साइको बहुत ही कम एचपी है, इवोस यहां पर डाउन हो सकता है क्योंकि एक चीज आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, शैनोक पे ग्रास बहुत बड़े होते हैं नो डाउट, लेकिन शैनोक के ग्रास रेंडर 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होते तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओ भाई साहब कब तक बचेगा, दैट्स द थिंग राइट नाउ फॉर हिम, आरआईपी का स्कोर जोन के अंदर आने की कोशिश, इवोस यहां पर उसको उठ के स्प्रे ट्रांसफर कर सकता है एंड एक किल अपने टीम के लिए कर सकता है एंड यहां पर आरआईपी नाउटो को भी नॉकआउट करता है, टेम्पेस्ट अभी भी है, इजी पीजी का स्कोर जोन के अंदर गया, इवोस से ब्लाइंड भी उधर गया, एनटीटी का स्कोर बहुत पहले जोन के अंदर आ गया था एंड बहुत ही प्यारा चिकन ले गया, कुछ चांस ही नहीं दिया गाइस यहां पर, कुछ चांस नहीं दिया एनटीटी, बहुत सही खेला जोन के अंदर पहले मूवमेंट।